नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इंदा तिवारी ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ऑनलाइन एग्जाम होता है, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। बस आप लोग पेशेंस रखिएगा, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप लोग सीख लेंगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा रियल तरीके से सिखाऊंगा जैसे एग्जाम में होता है, बस आपको ध्यान देना है। और मेरा मेन मोटिव है कि अगर आप लोग सीख गए तो एग्ज़ाम में आपके साथ कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम समय रहता है। तो दोस्तों चलते हैं, आपको सिखाते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों देखिए मेन पेज खुल गया, इसी तरह वहाँ पे एग्ज़ाम में दिखेगा आपको पेज। लेफ्ट साइड में सिस्टम नेम दिया रहेगा और राइट साइड में कैंडिडेट का नेम दिया रहेगा, और जो ये फोटो लगी हुई है यहाँ पे आपका फोटो होगा, बस इतना बदलाव होगा। और यहाँ पे नीचे देखिए बॉक्स में लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, उसके बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है तो अगला पेज खुल जाएगा। और ये यूजर नेम और पासवर्ड आपको एग्जाम स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले आपको मिलेगा। और दोस्तों जब वहाँ निर्देश दिया जाए तभी आप साइन इन पर क्लिक कीजिएगा, उससे पहले आप बैठे रहिएगा, सारी चीज़ों को वहाँ देखते रहिएगा, जैसे इंस्ट्रक्शन मिलेगा तभी आप क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कीबोर्ड का इस्तेमाल मत कीजिएगा, माउस का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइड में कीबोर्ड यहाँ पे खुद दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कीबोर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे आप यूजर नेम डाल सकते हैं और नीचे भी देखिए कीबोर्ड दिया हुआ है, जैसे माउस से आप क्लिक करेंगे ये कीबोर्ड आ जाएगा, यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं, जो चाहे टाइप हो जाएगा। दोस्तों जब निर्देश वहां से आ जाएगा तब आप साइन इन पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करने के बाद ये नया पेज आके खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों इंस्ट्रक्शन दिया हुआ इंग्लिश में है, अगर आप लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू इन पे आपको क्लिक करना है, जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लीजिए, मान लो मैं हिंदी में पढ़ूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे सारा निर्देश दिया हुआ है, पूरे डिटेल में दिया हुआ है, और यहाँ पे सबसे ध्यान देने योग्य ये पे यहाँ पे दिया हुआ है, जो बॉक्स में एक लिखा हुआ है इसके आगे लिखा हुआ आप अभी तक प्रश्न पर नहीं गए हैं। दोस्तों इसका मतलब है कि अभी तक आप प्रश्न पर नहीं गए हैं, और रेड कलर का जो बॉक्स है इसका मतलब है कि आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, और हरे कलर का मतलब कि आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है, और जो बैगनी कलर का है इसका मतलब है कि अगर आप लोगों को वो क्वेश्चंस उस समय नहीं आ रहा है और आप लोग चाहते हैं कि बाद में रिटर्न होकर मैं उसको सॉल्व करूंगा, तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये चिन्हित कर देगा, और चिन्हित करने के बाद इस तरह ऑप्शन हो जाएगा, देखिए टिक का निशान लग जाएगा और आप रिटर्न होकर इसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं। इसका मेन ये है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 10 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास अच्छे से। अब चलते हैं आगे का प्रोसेस बताते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे लैंग्वेज व्यू इन पे लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, मैं हिंदी सिलेक्ट किया हूँ। यहाँ पे चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, यहाँ पे आपको क्लिक करना है हिंदी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे I have read and understood the instruction, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए I am ready to begin, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन ये दोस्तों तभी करना जब वहाँ से इंस्ट्रक्शन आएगा कि आप लोग अब करिए, आप अब तैयार हो गए हैं पेपर देने के लिए, तभी आप कीजिएगा, नहीं तो आप बैठे रहिएगा इंस्ट्रक्शन को पढ़ते रहिएगा। तो दोस्तों जब आपका वहाँ से इंस्ट्रक्शन आ जाएगा तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों क्लिक करने के बाद आपका मेन पेज आ गया, जहाँ पे आपको टेक्स्ट टेस्ट देना है, और यहाँ पे टाइम लेफ्ट दिखा रहा है, यहाँ पे टाइम आपका बताएगा कि कितना बचा हुआ है, ये चलता रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का है, उसके बाद और सब्जेक्ट का ऐसे आता रहेगा, यहाँ पे दिखेगा आपको, और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस करना है। अभी देखो रेड है, इसका मतलब कि आपने क्वेश्चंस देखा है, अभी इसको सॉल्व नहीं किया है, तो आप इस पे जो गोला है इस पे क्लिक करेंगे, और आप चाहते हैं कि हमारा उत्तर ये सही है तो आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। देखिए हरे कलर का आ गया यहाँ पे, यानी आपका आंसर सेव हो गया है। अब
दूसरा आ गया क्वेश्चंस, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर सेव, नेक्स्ट पे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे। दोस्तों अब आपको सिखा देते हैं कि मान लो कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर उस समय नहीं आ रहा है और आप लोग बाद में इसको रिटर्न होके सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस पे मार्क लगाना होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले गोला को क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखिए मार्क यहाँ पे लग गया, इसका मतलब कि आप रिटर्न होके फिर से इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस तरह आप कर सकते हैं, सारा इस तरह आपका होता रहेगा, यहाँ पे टाइमिंग बताता रहेगा। तो दोस्तों मेरा मेन मोटिव था कि आप लोगों को इससे अवेयर कराएं, क्योंकि बहुत से जो बिगनर हैं जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं ऑनलाइन, उनके लिए दिक्कत हो जाती है, वो पहले घबरा जाते हैं, तो क्यों ना पहले सीख के जाएं और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ जाएं ताकि उन्हें एग्जाम में कोई घबराहट ना हो। तो दोस्तों आई होप कि यह सारा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, आगे फिर मिलते हैं नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।